अस्सलाम वालेकुम, अयान इलेक्ट्रिक एजे के साथ मेरा नाम है नोमान। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे मिजाज होंगे आपके। तो दोस्तों, आज ये मैं लेके आया हूँ सीविंग मशीन की मोटर है। ये 150 वाट की ये मोटर है। तो ये बुल कंपनी की है। तो इसका आर्मेचर जो था ये जल गया था। फीड कॉइल इसकी बिल्कुल ठीक है। तो आर्मेचर हमने न्यू वाइंडिंग करनी है इसकी। तो वाइंडिंग का मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में होगा। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल देखें। बहुत सी नई बातें बताऊंगा, बहुत सी ट्रिक बताऊंगा जो आप खुद भी कर सकते हो घर बैठ के भी। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ मैं इसकी वाइंडिंग करके दिखाऊंगा। एक एक कनेक्शन के, कम्यूटेटर के कनेक्शन के मतलब बताऊंगा। तो कम्यूटेटर जो इसका जो पहले इस्तेमाल किया गया था, ये वाला, ये कम्यूटेटर जो इसका पहले इस्तेमाल किया गया था, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये हमने नया लगाना है, ये हमने रिमूव कर देना है। तो नया कम्यूटेटर जो है, नया कम्यूटेटर ये मैं लेके आया हूँ। ये 24 इसके कुंडे हैं कम्यूटेटर के। तो इस पे लगाने का तरीका जो है, कम्यूटेटर का, जो सबसे पहले हमने इधर ऊपर इसके प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों, ये इस तरह बिल्कुल आपने कोई भी स्केल या कोई चीज़ ले लेनी है, ऐसे स्ट्रेट रख लेना बिल्कुल सीधा। तो स्ट्रेट रखने के बाद ये जो इसका कम्यूटेटर का जो एक कुंडा है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रख के फिर इसको प्रेस कर देना है। इस हिसाब से हमने स्टार्ट तो इधर से लेना, जहाँ से ये मैंने निशान लगाया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
और ये 12, ये इसके स्लॉट हैं। ये चैन वाइंडिंग करनी थी तो इसलिए मैंने ये 1 से 12 तक के स्लॉट जो है इसकी गिनती लिखी है। अगर हम दो तारों के दरमियान कॉइल बनाते तो हमने 1 से 6 करना था, 1 से 6 अलग एक साइड, 1 से 6 एक साइड, इस हिसाब से हमने वाइंडिंग करनी, चूँकि हमने चैन वाइंडिंग करनी है तो इससे इस हिसाब से। तो फिर ये हमारा 1 बनता है ये, और 2 दोस्तों, जिस हिसाब से ये मैंने गिनती लिखी है इस हिसाब से हमने साथ साथ कनेक्शन करते जाना है। पहले 1 नंबर कुंडा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह 11, 12, ये साथ साथ ही कनेक्शन हमारे चलते जाने हैं जिस हिसाब से मैंने ये लिखा है, क्योंकि हमने वाइंडिंग पीछे की तरफ करनी है इसकी। तो तार जो हमने इस्तेमाल करनी है वो इसमें 36 नंबर इस्तेमाल करनी है। तो टर्न कितनी डालनी है उसके मतलब मैं बताऊँगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरा मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत सी नई बातें आपको सीखने की मिलेगी। अब हमने इसके बाद ये पेपर के पीस डालने हैं। एक हमने स्टार्ट इधर से लेना है, यहाँ से एक पेपर हमने इधर डाल देना है, और दूसरा पेपर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये छठा स्लॉट बनता है, इसमें पेपर डाल देना। दोस्तों मैं इकट्ठा पेपर भी डाल सकता हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए इसलिए मैंने ये 2 पेपर डाले हैं कि हमने इस हिसाब से जो स्लॉट हैं इसकी पिच जो है इस हिसाब से हमने स्टार्ट लेना है इसका। तो अब ये पेपर तो डाल दिया, अब हम इसको किस कुंडे पे हमने कनेक्शन करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख लेना है, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसके साथ वाला जो राइट साइड पे है, जो जिस पे ये मैंने वाइट निशान लगाया है, यहाँ से हमने इसका स्टार्ट लेना है। दोस्तों इसमें 36 नंबर तार इस्तेमाल करनी है, 36 नंबर। तो इसमें जो टर्न देनी है वो 60 टर्न देनी है। तो जहाँ से ये मैंने पेपर डाला इसमें, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधा रखना है, ऐसे
ऐसे, ये इसके जो राइट साइड पे जो स्लॉट ये कुंडा है जो इसका, यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन करना है फर्स्ट जगह, यहाँ पे इसका फर्स्ट कनेक्शन है। इधर से स्टार्ट भी इधर से होना है और एंड भी इधर से ही होना है। ये जहाँ से एक मैंने लिखा हुआ है ये, इधर से हमने स्टार्ट लेना है इसका, और साथ साथ ही पीछे 2, 3, 4, 5 इसी तरह पीछे हमारे कनेक्शन चलते जाने हैं, और स्लॉट के जो पीछे हमारी जो हमने कॉइल डालनी है वो भी हमारी पीछे की तरफ ही कॉइल डालनी है। तो इसे ऐसे तार को बल देना है, इधर से बल देने के बाद इधर से हमने स्टार्ट लेना है इस कॉइल का। इसमें दोस्तों हमने 60 टर्न डालनी है, 60। तार को टाइट रखना, तार लूज नहीं होनी चाहिए। ये इसके 60 टर्न कंप्लीट हो गया फर्स्ट कॉइल की। अब तार को इधर से ऐसे बल देना है, ऐसे तार को ऐसे बल दे के हमने ये पीछे 2 नंबर कुंडे पे कनेक्शन करना है, 2 पे, इधर 2 पे हमने कनेक्शन करना है। फिर दोबारा इसी स्लॉट में हमने 60 टर्न देनी है। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गई है सेकंड कॉइल की भी। इसका कनेक्शन अब इधर 3 नंबर कुंडे पे करना है, तीसरे पे, यहाँ पे तीसरे कुंडे पे कनेक्शन है इसका। इसके बाद दोस्तों हमने, क्योंकि कॉइलें हमारी पीछे की तरफ हैं, तो हमने इसमें पेपर इस पीछे वाले स्लॉट पे डालना है, यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा स्लॉट बनता है। दूसरा पेपर हमने छठे स्लॉट में इधर डालना है। ये दोस्तों सिंगल तार में इसकी वाइंडिंग मुकम्मल करनी है। ये चैन वाइंडिंग मैं कर रहा हूँ सिंगल तार में, बहुत ही इजी है। इसमें भी दोस्तों 60 टर्न ही देनी है। ये दोस्तों 60 टर्न कंप्लीट हो गई है इस वाली कॉइल की भी, दूसरी कॉइल की फर्स्ट कॉइल। इसका कनेक्शन चौथे कुंडे पे होगा, 4 नंबर पे। इसके बाद फिर दोबारा इसी स्लॉट में ही 60 टर्न देनी है। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गई है सेकंड कॉइल की भी, दूसरी कॉइल की सेकंड कॉइल भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद 5 नंबर कुंडे पे इसका कनेक्शन है। यहाँ तक दोस्तों 2 कॉइलें कंप्लीट बन चुकी हैं, 2 कॉइल की एक कॉइल बनी है 2 कॉइल की। तो 5वें कुंडे पे अब कनेक्शन आ गया इसका। तो इसके बाद अब 3 नंबर कॉइल बनाई जाएगी। उसका पेपर एक इधर हमने डालना है यहाँ पे, और दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये छठा बनता है ये वाला, दूसरा हमने इस स्लॉट में डालना है। ये टोटल हमारी 1 से 6 की पिच चलेगी, जितनी भी कॉइलें हमने डालनी हैं। इसमें भी दोस्तों हमने 60 ही टर्न देनी है। ये दोस्तों 60 टर्न कंप्लीट हो गया फर्स्ट कॉइल की, तीसरी कॉइल की फर्स्ट कॉइल। इसका कनेक्शन अब छठे कुंडे पे होगा, पीछे इधर छठे कुंडे पे। इसके बाद फिर दोबारा इसी स्लॉट में हमने 60 टर्न देनी है। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गया इसकी। इसके तार को ऐसे बाल देना है, इधर से बाल देने के बाद यहाँ पे अब 7 नंबर कुंडे पे कनेक्शन आ जाएगा पीछे। यहाँ तक दोस्तों मैंने 3 कॉइलें मुकम्मल बना दी हैं। इसके बाद अब 4 नंबर कॉइल बनाई जाएगी। 4 नंबर जो हमने बनानी है, पीछे इधर इधर इस स्लॉट में एक पेपर डालना है यहाँ पे। अब एक पेपर तो दोस्तों हमने इधर डाल दिया, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा स्लॉट बनता है। दूसरा पेपर हमने इस स्लॉट में डालना है इधर यहाँ पे, ऐसे। अब इसमें भी दोस्तों हमने 60 टर्न ही देनी है। 1 से 6 की पिच है, तार टाइट रखनी है, लूज नहीं होनी चाहिए।
ये 6 सीटर है, कम्प्लीट हो गई है फर्स्ट कॉइल की, चौथी कॉइल की। इसका कनेक्शन अब इधर 8 नंबर कुंडे पे होगा इधर। इसके बाद फिर दोबारा इसी स्लॉट में ही दोस्तों हमने 60 टर्न देनी है। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गया सेकंड कॉइल की भी, चौथी कॉइल की। इसका कनेक्शन आप 9 नंबर कुंडे पे होगा। इसके यहाँ तक दोस्तों 4 कॉइलें अब मैंने कंप्लीट बना दी हैं। इसके बाद 5 नंबर कॉइल बनाई जाएगी। इसका पेपर हमने इधर इस पीछे वाले स्लॉट पे डालना है, यहाँ पे इधर, और दूसरा 1 2 3 4 5 6 ये छठा बनता है। दूसरा पेपर हमने इस स्लॉट में डालना है ये ऐसे। इसमें भी दोस्तों हमने 60 टर्न ही डालनी है। तार को दोस्तों टाइट रखना, तार लूज नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों 60 टर्न कंप्लीट हो गया। तार से इधर से बाल देना है ऐसे, इधर से ऐसे। इसका कनेक्शन जो अब 10 नंबर कुंडे पे होगा। तो कनेक्शन करने के बाद फिर दोबारा इसी स्लॉट में हमने 60 टर्न देनी है। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गया, तार को इधर से बाल देना है। अब इसका कनेक्शन जो है दोस्तों वो हमने 11 नंबर कुंडे पे करना है, 11 नंबर। तो यहाँ तक दोस्तों अब मैंने 5 कॉइलें मुकम्मल बना दी हैं। तो कनेक्शन हमारे अभी तक 11वें कुंडे तक हुआ है। इसके बाद अब हमने 6 नंबर कॉइल बनानी है। इसका हमने एक स्लॉट ये लेना है, 7 वाला, ये 1 2 3 4 5 6 ये छठा स्लॉट बनता है। इसका पेपर इधर डालेंगे दोस्तों। इसमें भी 60 टर्न ही डालनी है। तार को टाइट रखना, तार लूज नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों 60 टर्न कंप्लीट हो गई है फर्स्ट कॉइल की, 5 नंबर कॉइल। इसका कनेक्शन अब इधर 12 नंबर कुंडे पे होगा इधर। इसके बाद फिर दोबारा इसी स्लॉट में ही हमने 60 टर्न देनी है। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गई है 5 नंबर कॉइल की, सेकंड कॉइल की। इसके बाद अब इसका कनेक्शन इधर 13 नंबर कुंडे पे होगा, 13 नंबर। तो इसके बाद दोस्तों अब हमने छठी कॉइल बनानी है इसकी। उसका हमने एक तो स्लॉट ये वाला लेना है, ये तो पहले कॉइल बनाई, इसके 7 वाला ये वाला, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये छठा स्लॉट बनता है। अब इसके बाद हमने छठी कॉइल बनानी है। ये दोस्तों जैसे मैंने ये निशान लगाए हुए हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 1 से 6 हमने ये निशान लगाने का मकसद ये है कि आपको चैन वाइंडिंग का पता हो कि हमने टोटल 12 कॉइलें डालनी है। तो इसमें 12 कॉइलें डाली जाएंगी। तो इसके बाद इसकी छठी कॉइल जो वो बनाई जाएगी। इसमें भी दोस्तों अब हमने 60 टर्न ही डालनी है। तार को टाइट रखना, तार लूज नहीं होनी चाहिए। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गया छठी कॉइल की भी। तार को इधर से ऐसे बाल देना। अब दोस्तों हमने इसका कनेक्शन जो है वो हमने 15 नंबर कुंडे पे करना है, 15 नंबर पे इधर। अब यहाँ तक दोस्तों मैंने 6 कॉइलें मुकम्मल बना दी हैं। अब इसके बाद 7 नंबर कॉइल बनाई जाएगी। उसका हमने स्लॉट जो लेना है, एक ये लेना है और दूसरा 1 2 3 4 5 6 ये छठा बनता है, छठा हमने ये स्लॉट लेना है। अब 6 कॉइलें कंप्लीट हो गई, अब 7 नंबर कॉइल बनाई जाएगी। इसकी भी दोस्तों 60 टर्न ही डालनी है। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गया फर्स्ट कॉइल की, 7 नंबर की। तो कनेक्शन आप इधर 16 नंबर कुंडे पे होगा।
उसके बाद फिर दोबारा इसी स्लॉट में दोस्तों हमने 60 टर्न डालनी है। दोस्तों ये 60 टर्न कंप्लीट हो गई है। इसका कनेक्शन आप इधर पीछे वाले कुंडे पे होगा 17 नंबर पे। यहाँ तक आप 7 कॉइलें कंप्लीट हो गए, इसके बाद 8 नंबर कॉइल बनाई जाएगी। अब इसमें 8 नंबर कॉइल बनाई जाएगी, उसकी भी 1 से 6 की पिची है और 60 ही टर्न देनी है। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गई है 8 नंबर कॉइल की भी। अब इसका कनेक्शन इधर पीछे वाले कुंडे पे हो गया 19 नंबर कुंडे पे। दोस्तों यहाँ तक मैंने 8 कॉइलें जो है कंप्लीट बना दी हैं, इसके बाद 9 नंबर कॉइल बनाई जाएगी। 9 नंबर कॉइल जो है वो हमने ये वाला स्लॉट लेना है 7 वाला, इससे पीछे 6 की पिच बनेगी 1 से 6 की। अब इसके 9 नंबर कॉइल जो है एक स्लॉट ये लेना है, 2 3 4 5 6 ये छठा स्लॉट बनता है, इसकी भी 1 से 6 की पिच है, 60 टर्न ही देनी है, 60 टर्न। तार को टाइट रखना है दोस्तों, लूज नहीं होनी चाहिए। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गई है 9 नंबर कॉइल की भी। इसका कनेक्शन अब पीछे वाले कुंडे पे होगा इधर। तो इसके बाद अब 10 नंबर कॉइल बनाई जाएगी, उसका भी स्लॉट ये वाला एक लेना है और दूसरा ये 1 से 6 की पिच बनती है इसकी। अब इसके बाद 9 नंबर कॉइल कंप्लीट हो गया, 10 नंबर कॉइल बनाई जाएगी, इसकी भी 1 से 6 की पिच है, 60 टर्न ही देनी है इसमें। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गया 10 नंबर कॉइल की भी। अब इसका कनेक्शन पीछे वाले कुंडे पे होगा 23 नंबर कुंडे पे। दोस्तों अब यहाँ तक 11 कॉइलें जो हैं ये कंप्लीट बना दी हैं मैंने। ये 11 नंबर कॉइल बनाई थी, इसके बाद 12 नंबर कॉइल लास्ट बनाई जाएगी, उसका स्लॉट हमने ये पीछे वाला लेना है, 1 2 3 4 5 6 ये छठा स्लॉट बनता है, ये हमारी लास्ट कॉइल है। इसके बाद हमारा आर्मेचर जो है ये कंप्लीट वाइंडिंग हो जाएगी कि अब फर्स्ट कॉइल डालने लगा हूं। ये 60 टर्न कंप्लीट हो गया लास्ट कॉइल की भी 12 नंबर की। दोस्तों अब यहाँ से ये मैंने स्टार्ट लिया था, इधर जहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया था वहाँ पे हमारी कॉइल का एंड हो चुका है। ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कनेक्शन, ये देखें हमारा कॉइल का एंड हो चुका है, यहाँ तक हमारी कॉइलें कम्प्लीट हो गई हैं। तो आर्मेचर हमारा कम्प्लीट हो गया, तो इसके बाद अब इसके जो पेपर जो हैं ये काटे जाएंगे, काटने के बाद फिर इसमें ये बरियाँ डाली जाएंगी। दोस्तों ये आर्मेचर की वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है, टोटल जितने कनेक्शन है सभी अपनी जगह पे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें बहुत ही शानदार तरीके के साथ इसकी वाइंडिंग की है। ये चैन वाइंडिंग में मैंने इसकी वाइंडिंग की है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरा मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।